नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है केनोपनिषद का अति सूक्ष्म परिचय। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान स्वामी शांतानंद सरस्वती दर्शनाचार्य। आइए विषय की ओर चलते हैं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन परिचय, वैदिक भजन, वैदिक लेख लगातार आपके लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें, धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। केन शब्द से शुभारंभ होने से इस उपनिषद का नाम केनोपनिषद पड़ा। केन शब्द का अर्थ होता है किसके द्वारा, अर्थात शरीर में स्थित प्राण, मन, इंद्रिय आदि किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, कौन इनको अपने अपने विषय में संयुक्त करता है और कौन इन सब का आधार है, यह बतलाने वाला उपनिषद केनोपनिषद है। यह उपनिषद चार खंडों में विभाजित है और इसमें कुल 17 प्रश्न हैं। प्रथम खंड में कहा गया है कि किसकी प्रेरणा से मन विषयों पर आकृष्ट होता है, किसके द्वारा नियुक्त प्राण जन्मते ही गति करने लगता है, किसकी प्रेरणा से वाणी बोलती है, चक्षु और श्रोत्र को कौन देव अपने अपने विषयों पर नियुक्त करता है, जो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का भी मन है, वाणी का भी वाणी है, प्राण का भी प्राण है, चक्षु का भी चक्षु है, वही ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वह सभी इंद्रियों में शक्ति और गति भरने वाला है, किंतु ब्रह्म तक किसी भी इंद्रिय की पहुंच नहीं है। वह इंद्रियों में गति तो भरने वाला है किंतु किसी भी इंद्रिय की पहुंच उस ब्रह्म तक नहीं है। द्वितीय खंड में ब्रह्म की महानता को बतलाया गया है, साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि इसी जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो ठीक है, अन्यथा विनाश है, महती हानि है। तृतीय खंड में अग्नि, वायु आदि देवताओं का अभिमान से युक्त होना और ब्रह्म के द्वारा यक्ष के माध्यम से देवताओं के समक्ष एक तिनका रखकर उसे जलाने या हिलाने का भी प्रस्ताव रखा गया, किंतु कोई उसे हिला भी नहीं सका। इस प्रकार देवताओं के अभिमान को नष्ट करने का सुंदर आलंकारिक आख्यान यहां मिलता है। चतुर्थ खंड में स्पष्ट किया गया है कि वह यक्ष ब्रह्म ही था जिसे जानने के लिए इंद्रियां समर्थ नहीं है, उसे तो आत्मा के द्वारा ही जाना जा सकता है। इस खंड में ब्रह्म को वन कहा गया है, अर्थात भक्ति के योग्य कहा गया है। ब्रह्म की वन नाम से उपासना करनी चाहिए या एकांत जंगल में ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। जो इस उपनिषद में वर्णित ब्रह्म विद्या को जानता है वह पाप वृत्ति को नष्ट करके अत्यंत उत्तम स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। सामवेद एवं अथर्ववेद से इस उपनिषद का संबंध मिलता है, इसीलिए इसका विस्तृत स्वाध्याय करना चाहिए। कोई प्रश्न इसके बारे में अगर आपका हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र में लगातार हम इस तरह के वैदिक सिद्धांत की व्याख्याएं, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन परिचय, वैदिक भजन, पंचतंत्र की नीतिगत कहानियां आपके लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।